गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं बेटा हम पाथ लेंथ। जब भी कोई ऑब्जेक्ट बेटा मोशन में होता है, ठीक है, तो किसी ना किसी पाथ को फॉलो करता है। ठीक है, जैसे ठीक है, तो अब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाएगा बेटा, ठीक है, जिस भी पाथ को फॉलो करते हुए, तो जितनी भी दूरी वो एक्चुअली ट्रेवल करेगा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं बेटा हम पाथ लेंथ। तो पाथ लेंथ क्या हुआ, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स बाय द ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम। ठीक है, ड्यूरिंग मोशन, जब भी ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो जो जिस पाथ को ट्रेवल करे उस पाथ की एक्चुअल लेंथ क्या होगी बेटा, पाथ लेंथ। ठीक है, तो पाथ लेंथ क्या, इधर लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स बाय द ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम। जैसे मान लो ऑब्जेक्ट ए से बी में गया, फिर बी से कहाँ चला गया बेटा, सी तक। अब ए से जब सी में गया वो, तो व्हाट इज पाथ लेंथ, पाथ लेंथ क्या ट्रेवल किसने, ए बी प्लस बी सी। ठीक है, ए बी प्लस बी सी ट्रेवल की बेटा उसने। अब किस डायरेक्शन में ट्रेवल की उसने, देखो बेटा पहले इस डायरेक्शन में, फिर इधर को इस डायरेक्शन में, तो कोई नेट डायरेक्शन नहीं है, तो पाथ लेंथ की कोई भी डायरेक्शंस नहीं है। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, वो पहले ए से डी तक गया, सपोज करो इस रास्ते से गया, फिर यहां से, फिर यहां से दोबारा कहाँ आ गया बेटा, सी तक आ गया। अब इस ए से बी, बी को नहीं फॉलो किया उसने, वो ऐसे घूमता हुआ चला गया, ए से पहले इधर गया, डी, डी से कहाँ गया, ई, ई से फिर कहाँ गया बेटा, वो सी तक। अब व्हाट द पाथ लेंथ, गया वो सी तक ही, लेकिन पाथ की लेंथ कोई और ट्रेवल की उसने। अब ये नहीं है ए बी प्लस बी सी, अब वो जो भी एक्चुअली उसने ट्रेवल की है उस पाथ की लेंथ को क्या बोलेंगे बेटा, पाथ लेंथ, मतलब पाथ है ना। तो क्या है वो पाथ लेंथ, क्या आएगा अभी हमारे पास, ए डी प्लस डी ई प्लस ई सी। तो ये आ जाए ए डी प्लस डी ई प्लस ई सी, अगर वो ऑब्जेक्ट वो यहां से इस पाथ से ट्रेवल करता हो गया। और पाथ लेंथ को बेटा हम डिस्टेंस भी बोलते हैं, डिस्टेंस मतलब लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम। अब जो पाथ लेंथ है बेटा, ये डिस्टेंस है, तो इसके यूनिट क्या होते हैं बेटा, एसआई यूनिट, मीटर, मीटर एम, और सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर। अब ध्यान दे, ध्यान दो बेटा, जब भी ऑब्जेक्ट मोशन में होगा और वो जिस पाथ को ट्रेवल करेगा, तो वो हमेशा क्या आएगा बेटा, बढ़ता, जैसे ट्रेवल कर रहा है तो वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, वो कभी भी जीरो नहीं होगा, ना ही नेगेटिव होगा। तो ध्यान देना, पाथ लेंथ जो होती है हमेशा ही क्या होती है बेटा, पॉजिटिव होती है, मतलब डिस्टेंस। पाथ लेंथ को हम डिस्टेंस भी बोलते हैं, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट नेवर बी जीरो और नेगेटिव, कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट मोशन में है तो कोई ना कोई दूरी ट्रैवल करेगा, जो भी एक्चुअल दूरी ट्रैवल करेगा उसकी जो लेंथ होगी उसको क्या बोलेंगे, पाथ लेंथ। तो वो हमेशा पॉजिटिव होती है, नेवर बी जीरो और नेगेटिव। और साथ में यहाँ पर कोई, अब ए से सी में गया, लेकिन बढ़ते डायरेक्शन, पहले इस डायरेक्शन में, फिर इधर को इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन, कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं है, तो ये क्या है बेटा, एक स्केलर क्वांटिटी, इसमें कोई नेट डायरेक्शन नहीं है, तो मतलब ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसमें सिर्फ हम क्या ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड, इधर को ये जमा ये जमा ये, इसमें मैग्नीट्यूड ही ले रहे हैं। तो जो पाथ लेंथ है बेटा, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, मतलब जो डिस्टेंस है या पाथ लेंथ है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। क्लियर हो गया। जैसे कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कल में मूव करता है बेटा, और मान लो ऑब्जेक्ट ए से चला और दोबारा ए पे पहुंच गया, मतलब एक रोटेशन कंप्लीट कर लिया उसने, एक रिवॉल्यूशन। ठीक, तो अब व्हाट इज द पाथ लेंथ, पाथ लेंथ क्या होगा, यहां से गया ऐसे से, तो इस जो अब एक बार रोटेट किया तो क्या आएगी, इसकी सर्कमफ्रेंस, पता ना आपको, पाथ जो भी एक्चुअल ट्रेवल किया है एक सर्कल में मूव किया, तो पेरिफेरी का जितना भी डिस्टेंस है, तो वो तो सर्कल के क्या आती है बेटा, सर्कमफ्रेंस। मान लो इस सर्कल का रेडियस आर है, तो व्हाट इज द पाथ लेंथ, 2π r। अगर कोई ऑब्जेक्ट दो रोटेशन कवर करता है तो कितनी पाथ लेंथ आ जाएगी, एक से एक बार 2π r, तो दो बार दो से गुणा कर दो तो 4π r आ जाएगी, तीन रोटेशन होंगी तो 3π r। अगर मान लो ए से गया और बी तक ही पहुंचा बेटा, ठीक है, तो बेटा तो पाथ लेंथ आप सर्कमफ्रेंस क्या है बेटा, आधी ही है, ए से बी तक आधी का मतलब 2π r का आधा हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा बेटा, ये 2 से 2 π r। अगर ए से बी तक ही गया तो 2π r, सॉरी पाई आर, मतलब 2π r का आधा। ठीक है, अगर डेढ़ रोटेशन की, ए कंप्लीट फिर आधी, तो कितना आ जाएगा, तो आधी में पाई आर होता है तो जमा 2π r, तो इतना बन जाएगा बेटा ये 3π r बन जाएगा फिर। ठीक है, तो ये तो डिपेंड करेगा हम कौन सी सिचुएशन लेते हैं। तो पता लग गया पाथ लेंथ क्या होती है, इधर लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम, तो उसको बोलते हैं बेटा हम पाथ लेंथ। ठीक है, अब नेक्स्ट है बेटा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो
इनिशियल एक कहीं ना कहीं से एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाएगा, तो इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, मतलब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में गया कहीं पर, तो जो उन दोनों के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे बेटा हम, डिस्प्लेसमेंट। और इसकी जो डायरेक्शन लेते हैं बेटा हम कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ से चला और कहाँ पे पहुंचा लास्ट में, ठीक है, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजिशन। और जब हम इसमें डायरेक्शन भी है बेटा, तो ये कौन सी क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और जो डिस्प्लेसमेंट बेटा वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, ठीक। जैसे हम यहीं पे आ जाते हैं, जैसे मान लो ऑब्जेक्ट ए से गया बी में, बी से कहाँ गया बेटा सी में, अब ये ए कहाँ से चला, ए से चला और कहाँ फाइनली कहाँ पहुंच गया सी पे। अब वट इज द पाथ लेंथ, डिस्टेंस तो वही आ जाएगा ए बी प्लस बी सी, लेकिन वट इज डिस्प्लेसमेंट। जैसे इस केस को लेते हैं पहले हम, पाथ लेंथ आ गई ए बी प्लस बी सी, अब इसी के लिए डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी बेटा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट जब ए से बी, बी से सी में गया, तो बेटा इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, जो नहीं कि वो ट्रेवल किया। देखो बेटा इनिशियल ये है, फाइनल ये है, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट को, एक एरो वेक्टर, एरो प्लॉट करेंगे फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजिशन ऐसे, ठीक है। इनिशियल ये होगी और जो टिप होगी जहां पर वो फाइनल पोजीशन है, तो ये जो ये है, ये दिस इज द पाथ लाइन। डिस्प्लेसमेंट क्या आ गई यहां पर, ए सी, कितनी आ गई ए सी, ठीक है। जैसे सपोज करो बेटा ये 3 मीटर है और ये 4 मीटर है, ठीक है, और ए सी कितना है बेटा यहां पर है 5 मीटर। अब सपोज करो ए से बी में गया, बी से सी में गया, तो व्हाट द पाथ लेंथ, ये किलोमीटर मीटर में क्या किलोमीटर में रखते हैं, 3 किलोमीटर बी तक गया, 4 किलोमीटर बिल्कुल, और ये मान लो 5 किलोमीटर है, तो पाथ लेंथ कितनी आएगी, वो तो डिस्टेंस वही लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, तो 3 किलोमीटर जमा 4 कितना बन जाएगा, ये 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर कितना बन जाएगा, 7 किलोमीटर। लेकिन वही डिस्प्लेसमेंट, मतलब अपनी इनिशियल पोजिशन से कितना डिस्प्लेस हुआ, वो भी स्ट्रेट सीधा डिस्टेंस, कितनी दूरी तक डिस्प्लेस हुआ है, तो जो भी सीधा दूरी होगी बेटा ए से सी तक सीधी दूरी वो आएगा, वो कितना है बेटा हमारे पास 5 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट ए सी को कितना आएगा बेटा, ये 5 किलोमीटर, वो किस तरफ को, ए टू सी, फ्रॉम ए टू सी, यहां पे डायरेक्शन फ्रॉम ए टू सी, मतलब डायरेक्शन है ए से सी तक गया सीधा, ठीक है। अगर यहां पे देखा जाए, मान लो ये 4 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है, और ये मान लो 4 किलोमीटर है, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो ए से बी, डी, डी से ई, ई से सी तक गया है, देन व्हाट इज द पाथ लेंथ, वो तो यही ये जमा ये जमा ये, यही है ना, ए डी, 4 जमा 3 जमा 4 कितना बन जाएगा, ये 4 11 किलोमीटर गया। लेकिन वट इज द डिस्प्ले, चाहे वो जिस मर्जी पाथ से गया हो बेटा, लेकिन वट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो वही है, शॉर्टर डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजिशन। अब इनिशियल या फाइनल यहाँ गए, तो शॉर्टर डिस्टेंस बिल्कुल सीधी दूरी है आएगी बेटा यहाँ पर, तो अभी यहाँ पर भी कितना आएगा पाथ लेंथ, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, वो 5 किलोमीटर ही रहेगी, चाहे वो यहाँ से घूमता जाए चाहे यहाँ से, तो दो पोजिशन के बीच की जो डिस्प्लेसमेंट वो क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी रहेगी वहां पर भी, 5 किलोमीटर ही रहेगी, ठीक है। अब ध्यान दो, अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से बी, बी से सी और सी से दोबारा, जैसे मैं यहां बना लेता हूं दोबारा से, ये ए पोजीशन है, ये बी है और ये सी है, ए से बी में गया, फिर बी से सी में गया और सी से दोबारा कहां आ गया बेटा, सपोज करो ए तक। अब ध्यान दो, पहले ये 3 किलोमीटर बताया था, ये 4 किलोमीटर और ये 5 किलोमीटर, अब बड़ी पाथ लेंथ, पाथ लेंथ कितनी आएगी भाई, ए बी जमा बी सी जमा सी ए, यही आएगा ए बी जमा बी सी जमा सी ए, वो कितना बन जाएगा, 3 प्लस 4 प्लस 5 कितना आ गया बेटा, मतलब 12 किलोमीटर, ठीक। लेकिन बड़ी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट देखो बेटा, इनिशियल टू फाइनल पोजिशन कहां से चला था, यहीं से चला था और दोबारा हट फिर के कहां आ गया, यहीं पे आ गया, तो इनिशियल भी यही है और फाइनल भी वही है, तो वट इज द शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट आएगी बेटा ए टू ए, ए से लेके ए तक, तो ए भी वही है, बी भी, तो इन दोनों के बीच में इनिशियल और फाइनल, इनिशियल भी यही है फाइनल भी यही है, तो इन दोनों के बीच में क्या क्या डिस्टेंस आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि दोनों से एक ही पोजिशन है, तो कितना आएगा बेटा 0, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी बेटा यहाँ पर 0, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब बेटा मान लो कोई ऑब्जेक्ट ए से गया बी से, बी से सी में आया, तो इन डिस्प्लेसमेंट क्या होती है बेटा ए सी, ठीक है, ए टू सी। लेकिन कोई दूसरा ऑब्जेक्ट वो सी से कहां गया, बी में, बी से ए में आया, अब उस ऑब्जेक्ट के लिए क्या डिस्प्लेसमेंट आई, अब उसके लिए जब कोई ऑब्जेक्ट सी से चला
और बी से होता हुआ ए तक पहुंचा, तो बढ़िया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो ये बेटा शॉर्ट है डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजिशन। अब दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए इनिशियल पोजिशन ये रही और फाइनल ये रही, तो कहां से, यहां से एक एरो इधर को प्लॉट करेंगे बेटा, तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी, सी ए। अब ध्यान दें बेटा, ए सी और सी ए दोनों मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा, 5 किलोमीटर से हमने ये माना था, ये 3 माना था, ये 4 माना था, और ये 5 किलोमीटर माना, तो दोनों के लिए मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। इसमें के ए सी इज इक्वल टू सी है, लेकिन साथ में क्या फर्क है बेटा, माइनस का, कि दोनों उल्टी डायरेक्शन में चले, एक जो चला वो ए से सी तक की ओर चला और दूसरा सी से ए की ओर चला, मतलब एक के लिए इनिशियल पोजिशन ए थी और फाइनल पोजिशन सी थी, तो दूसरे के लिए इनिशियल पोजिशन सी ए और फाइनल ए, दोनों में क्या है बेटा, इक्वल एंड अपोजिट है, तो मतलब यहां से नेगेटिव ही आ गया डिस्प्लेसमेंट। हम यहां से देखो, कोई ऑब्जेक्ट ओ से ए 5, मान लो ओ से 5 मीटर है, फिर ओ से बी 10 मीटर है, और इधर को तो आपको पता है नेगेटिव आ। अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट बी से ए में चला, बी से ए में, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्ले मान लो कोई बी से ए में चला इधर को इस तरफ, तो कितनी डिस्प्लेसमेंट बी से ए, तो इनिशियल पोजिशन बी है और ये ए है, बी ए, तो कैसे लिखेंगे बेटा, बी ए इस साइड, बी ए की डायरेक्शन क्या है, बी टू ए, इधर को अगर हम इस साइड को पॉजिटिव लेते हैं तो इधर को कह लेंगे हम नेगेटिव। वैसे भी देख लो, बी ए मतलब ए के पोजिशन, ए का डिस्टेंस माइनस बी का डिस्टेंस, तो ए का डिस्टेंस क्या, ओ ए, और बी का डिस्टेंस ओ बी, तो ओ ए माइनस ओ बी, ओ ए इज व्हाट 5 मीटर और ओ बी 10 मीटर, तो 5 - 10 5 मीटर, वो भी किस चीज का, माइनस का, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया बेटा, माइनस में, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी और जीरो भी, ठीक है। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट जो है अभी लेते हम, यहां ए से चला और घूम फिर के द्वारा ए पे पहुंच गया, तो पाथ लेंथ तो बेटा आ जाएगी 2πr, हमने किए पाथ लेंथ क्या आएगी, ये आफ्टर वन रोटेशन पाथ लेंथ क्या आएगी, उसकी सरकमफ्रेंस 2πr, लेकिन बड़ी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, इनिशियल पोजीशन भी यही है और घूम फिर के दोबारा वहीं पहुंच गया फाइनल भी, तो इनिशियल टू इनिशियल, ए टू ए, ए टू ए, बड़ी डिस्प्लेसमेंट, ए ए के पॉइंट के बीच का क्या डिस्टेंस होता है, कुछ भी नहीं, जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, जीरो, पता लग गया। अब मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से चला और बी तक पहुंच गया बेटा, ए से चला और फाइनल पोजीशन के बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे है ये, तो बड़ी पाथ लेंथ क्या आ जाए बेटा, सर्कमफ्रेंस का आधा, जो भी एक्चुअली ट्रेवल किया है यहां पर, ठीक है, वो कितना बताया आपको अभी मैंने, 2πr, पाथ लेंथ कितनी आ जाएगी, पाई आर, लिख लेना आपने पाथ लेंथ, जब ऑब्जेक्ट ए से बी में चला, पाथ लेंथ, लेकिन बड़ी डिस्प्लेसमेंट मैं यही ली, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी बन गई, ए टू बी, शॉर्ट है डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, तो इनिशियली रही फाइनली है, तो इनके बीच में शॉर्ट है डिस्टेंस, वो क्या बन जाएगा बेटा, ये डायमीटर, डायमीटर क्या होता है, 2r, तो कितनी आएगी बेटा पाथ लेंथ, 2r, क्लियर हो गया। तो ये था बेटा पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, दोनों ही बेटा डिस्टेंस ही है एक्चुअल में, लेकिन हाँ थोड़ा फर्क आपको बता दिया मैंने, दोनों ही दूरी है तो दोनों के ही यूनिट क्या होंगे बेटा, मीटर, दोनों को ही मीटर में मेजर करेंगे एसआई सिस्टम में, और सीजीएस यूनिट में किसमें मेजर करेंगे, सेंटीमीटर में, तो पाथ लेंथ, तो ये थोड़ा अब आपको पता लगे पाथ लेंथ क्या होता है, इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम, ठीक है, तो पाथ लेंथ ड्यूरिंग मोशन, पाथ लेंथ नेवर बी क्या आएगी बेटा, जीरो और नेगेटिव, बट ऑलवेज पॉजिटिव, तो इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, तो देयरफॉर पाथ लेंथ क्या है बेटा, एक स्केलर क्वांटिटी हुई, क्लियर। और जो डिस्प्लेसमेंट है, इट इज अ शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इट इज, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशंस, और इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके बाद डायरेक्शन भी है, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तो ये तो तीन, थोड़े वो तीन 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 डिफरेंस भी आप दे सकते हैं, बाकी और भी हैं डिफरेंस, वो मैं फिर बाद में बताऊंगा डिस्टेंस, ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।